गाइस अधिकतर लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करना जानते हैं और वह बाय भी करते हैं, पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं पर नहीं बाय कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन अकाउंट अपना बनाना नहीं आता और अकाउंट बनाकर किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा किस प्रकार से आप ऑनलाइन किसी भी साइट पर अपना अकाउंट बना सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे प्रोसेस, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ माय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर में ऑन करनी है और प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं बट मैं आपको थ्री जो वेबसाइट है जो और उसके एप्लीकेशन है मैं रिकमेंड करूँगा। जो सबसे नंबर वन में आता है वो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील है। तो ये तीनों एप्लीकेशन में से आपको कोई भी एप्लीकेशन को चूज कर लेनी है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। बट मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊँगा जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा रेटिंग का है, वो है अमेजोन। तो आपको सबसे पहले आपको अमेजोन का जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और इसी पर मैं आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके और शॉपिंग करके बताऊँगा किस प्रकार से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का आप जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ऊपर में थ्री कॉलम डॉट डॉट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ऊपर में सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, तो आपको हेलो साइनिंग का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा था। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट रहेगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आपका क्रिएट नहीं रहे तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करनी और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और नंबर और ईमेल आईडी और यहाँ पे सेट पासवर्ड करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर देनी है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना मेल एड्रेस डाल लीजिए, यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डाल देनी है। मेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चूज करनी है। तो इसमें जिसमें वर्ड और संख्या और सभी कुछ मिक्स रहे और एसिक्स संख्या के ऊपर रहना चाहिए। तो जो भी है आपको यहाँ से टाइप कर लेनी है। उसका वेरीफाई नंबर पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही फ्रेंड्स अपने अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर देकर क्रिएट कर लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर में जो अमेज़न के सामने डॉट का थ्री डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहा है। तो इस ऑप्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है। जो जैसे ही आप इस पर होम पर क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर शॉप बाई कैटेगरी किया था। आप शॉप बाई कैटेगरी पर करना चाहते हैं तो बहुत सारे कैटेगरी है जो यहाँ सब चूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन प्राइम म्यूजिक, अमेजोन प्राइम वीडियो और यहाँ पर कैंडल रिच और यहाँ पे बहुत सारे जो है वुमेन फैशन और बहुत सारे जो प्रोडक्ट ग्रोसरी है इस तरह के आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो यहाँ से देख पाओगे और यहाँ पे बाई अगर बाद में बाई करना चाहते हो और यहाँ पे चूज करके रहते हो वो भी कर सकते हो। अपना विश लिस्ट में यहाँ पे कार्ड में ऐड कर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता तो यहाँ पे विश कार्ड लिस्ट में आपको ऐड करके रख सकते हो। यहाँ पे आपका अकाउंट है जो आप अकाउंट यहाँ से अपना देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कि अमेजोन पे अगर कोई अमेजोन पे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो और यहाँ पे ट्राइम प्राइम, तो यहाँ ट्राइम प्राइम में जो अमेजोन के फेवरेट जो सेलर है उससे भी आप बन सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर अमेजोन पर सेल भी करना चाहते हो तो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। उसके बाद फन जोन में आता है, बहुत सारे गेम फेम आता है तो आप गेम खेलना चाहते हो भी है, आप लैंग्वेज चेंज कर तो लैंग्वेज पे कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को बाय करना कैसे चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर जो भी प्रोडक्ट को अगर बाय करना चाहते हो तो यहाँ से आप आसानी से सर्च कर सकते हो। सिंपली मैं अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे क्लोथ सर्च करना चाहते हो या ग्लोसरी या कोई भी फर्नीचर प्रोडक्ट जो भी आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सपोज मैं टी शर्ट को सर्च करता हूँ और टी शर्ट सर्च करने के बाद मैं इसे बाय करूंगा। तो सिंपल जैसे ये टी शर्ट मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देनी है और पिन कोड देने के बाद आपको पता करने कि आपको ये पिन कोड पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो मैं अपना यहाँ पे पिन कोड दूंगा और देने के बाद इसको अप्लाई करूंगा कि ये मेरे पिन कोड पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मेरे पिन कोड पर अभी अवेलेबल नहीं है, फिर मैं इसे बाय कर देखता हूँ और इसके बाद
ऑप्शन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अनडिलीवर्ड दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं दूसरा प्रोडक्ट जैसे चुन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं प्रोडक्ट अभी मेरे लोकेशन पर नहीं शो कर रहा है। तो सिंपली मैं दूसरा प्रोडक्ट मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे ट्रिमर एक मैं चूज कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ट्रिमर सर्च कर रहा हूँ तो ये ट्रिमर आ गया, और करने के बाद इसको सिंपली आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बाय पर क्लिक करनी है, या अगर आप चाहते हैं कि बाय में बाद में मैं इसे बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड कार्ट पर क्लिक करके आप कार्ट में ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऐड कार्ड में यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कोना में जो यहाँ पे कार्ड है इसमें ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो उसे बाद में इसे बाय भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें पिन नंबर मांगेगा, और पिन नंबर आपको वेरीफाई करनी है। जैसे ये मेरा लोकेशन दिया गया है तो आपको इस लोकेशन में कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मेरा और भी कुछ जो मैं एड्रेस है प्रॉपरली मांग रहा था, मैं इसे एड्रेस को फिलअप कर दे रहा हूँ। और मैं एड्रेस यहाँ पे जो भी है, मैं एरिया स्ट्रीट ये सारे सब मैं भर देनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो सारे भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो लोकेलिटी प्रॉपरली आपका जो एड्रेस है वो डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है तो इसके ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। तो फ्रेंड जैसे ही कंटिन्यू करते हो मेरा जो एड्रेस है, मैं सबसे पहले आपको बाइक के ऊपर क्लिक कर देना। फर्स्ट शुरू से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। सबसे आपको आपको बाइक के ऊपर क्लिक करनी है। बाइक पर क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस आएगा तो एड्रेस को भर देनी है। उसके बाद डिलीवर एड्रेस टू यहाँ पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको पेमेंट पे आएगा, तो आपको जिस भी एड्रेस पर पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग और यहाँ पे अमेजोन पे से करना चाहते हैं अमेजोन से, या अगर डेबिट कार्ड से पे करना डेबिट कार्ड से, और यहाँ पे अगर कैश ऑन डिलीवरी शो करें तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट है बाई होने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्वांटिटी शो कर, अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी अपना जो भी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट का उसको बढ़ा सकते हैं, और सिंगल क्वांटिटी बाई करना सिंगल क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट में टोटली रेडी हो चुका है। मैं जैसे मैं प्लेस टू ऑर्डर करूँगा तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे एड्रेस पर ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देख पा गया था ये थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, तो दे दिया ये प्रोडक्ट जो है मेरे एड्रेस पर ये ऑर्डर हो जा रहा है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट जो है मैं ऑर्डर हो गया। और सिंपली आपको यहाँ पे आनी है, और क्लिक करने के बाद आपको योर ऑर्डर में आकर आप अपना जो ऑर्डर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो नेट स्लो चलने के कारण अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये मेरा जो अमेजोन का जो अकाउंट पर जैसे मैंने ये ऐड किया था, तो ये फ्रेंड देख पा रहे हैं मेरा ट्रैक पैकेज है, और अपना ये इसको जो ऐड ऑर्डर है उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो जो मेरा ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट है ये शो कर रहा, और जैसे ही मेरा प्रोडक्ट में डिलीवर होगा तो मुझे एक मैसेज और नोटिफिकेशन भी आएगा, जिसके थ्रू मैं अलर्ट हो जाऊँगा कि हाँ प्रोडक्ट मेरा आ रहा है, और मैं कैश ऑन डिलीवरी में इसे पे कर दूँगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अमेजोन से आसानी से आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन फ्रेंड्स या क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और ऐसे टेक्स्ट